मैम, क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग सच में इफेक्टिव है वेट लॉस के लिए? बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग का क्वेश्चन हमेशा मेरे पास आता है, तो मैं ये बात कहती हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कुछ लोगों के लिए बनी है। कुछ लोग, वो कौन सी कैटेगरी है इसमें है, जो बहुत ज़्यादा ओबीस हैं, या जिनको एकदम से इंसुलिन स्पाइक हो जाता है, या जिन्होंने बहुत ज़्यादा कार्ब्स खाए होते हैं, जिनको आदत है कि लेट नाइट खाना खाने की, तो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। बिकॉज इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये है कि हमें डिटॉक्सिफिकेशन का टाइम मिल गया है। सपोज आपने खाना खाया 7 बजे, तो अगर आप अपनी डिटॉक्सिफिकेशन मोड को लंबा खींच लेंगे, 12 घंटे 14 घंटे कर लेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी क्लीन अच्छी तरह हो जाएगी। पर हर किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, स्पेशली वो जिनका हीमोग्लोबिन लो है या कुछ तरह के हार्मोन्स उनके इम्बैलेंस है। कुछ हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कराते हैं। सो अगर आप अंडर गाइडेंस ये चीज़ करेंगे ना, तो आपके लिए बेनिफिट हो सकती है। सो आई रिकमेंड कि अंडर गाइडेंस करें, तो यू विल गेट बेनिफिट्स ऑफ इट।